जानकारी इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर अतीक अहमद का व्हाट्सएप चैट जो है सामने आया है। अतीक अहमद ने चैट में बदला लेने की बात कही है, कहा कि मेरे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, बदला लेंगे। चैट में लिखा कि बहुत जल्दी हिसाब होगा। अतीक ने लिखा है कि सब्र कर लिया है मैंने। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। अतीक अहमद का चैट वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। उसने कहा है कि मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, बदला लेंगे। चैट में लिखा है कि बहुत जल्दी ही हिसाब होगा। तो अतीक ने लिखा है कि सब्र कर लिया है मैंने। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, अतीक अहमद का व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बीच लखनऊ से लाइव, अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। निकिता, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे व्हाट्सएप चैट को लेकर, किस तरीके से चैट जो है सामने आई है और किसे ये मैसेज किया गया था अतीक की ओर से? देखिए अभिषेक, जब से अतीक और अशरफ का ये हत्या का जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच ये जो चैट है वो वायरल हो रही है। हालांकि ये चैट पहले की है जिसमें अतीक का जो रसूख है वो फिलहाल कम नहीं है। इसमें भी बढ़ चढ़ के वो धमकी देने की बात कर रहा है, चाहे वो ईडी से की धमकी हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी धमकी हो। मुस्लिम साहब का एक जो वर्ड है इसमें वो यूज हुआ है, हालांकि बहुत ही डिग्निफाइड वर्ड है ये, में किसी को उसने गलत नहीं बोला है। लेकिन साथ ही में मुस्लिम साहब के साथ वो ये भी जिक्र कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया है। साथ ही अगर मैं बात करूं चैट की, तो अतीक के अगर मैं बेटे की बात करूं तो उनका एक ख्वाब जरूर था कि वो लॉ करे, डॉक्टर बने। लेकिन इस चैट में भी अगर आप देखें तो साफ इसमें वैलिड पॉइंट्स के साथ ये जिक्र किया गया है कि अतीक कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि जो उसके बेटे हैं वो एक अच्छी लाइन में जाए, डॉक्टर बने, लॉयर बने, या कहीं ना कहीं इससे ये साफ होता है कि वो ये जरूर चाहता था कि उसके भी जो बच्चे हैं वो उसी की तरह माफिया बने। तो ये जो चैट है ये फिलहाल आ रही है, जिसका जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहा है, जिसमें भी अतीक का जो कहते हैं तूती बोलती है वो बिल्कुल निडर था। और उसके बाद भी फिलहाल उसने कहीं से इस पूरी चैट में ये नहीं लग रहा है कि वो उसे कोई पश्चाताप है, इतने बड़े जो उसने सारे मैटर किए हैं या इतनी वारदातें की हैं, उसे कहीं भी इसका फिलहाल अफसोस नहीं था। अभिषेक, बिल्कुल निकिता, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि अतीक अहमद को अफसोस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर हम पूछताछ को लेकर बात करें, जिस वक्त पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी अतीक अहमद से, उस वक्त भी उसने धमकी दी थी पुलिस वालों को जब उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया था। बिल्कुल सही बात है ये अभिषेक, जब असद का, जिस दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर भी इसीलिए हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं असद का ये प्लानिंग थी कि वो पुलिस पे फायरिंग करेगा और वहां से अतीक और अशरफ को यानी कि अपने चाचा को भगा ले जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पूरी जो एनकाउंटर, ये जो पूरी प्लानिंग थी ये पुलिस ने फ्लॉप की और वहां पर अतीक और असद और जो गुलाम है उनका एनकाउंटर हो जाता है। और एनकाउंटर के बाद भी अगर मैं बात करूं तो अतीक अहमद का ये साफ था कि वो अपने मुस्टैचेस को रुतबे में लेकर के ये जरूर कह रहा था कि गद्दी की जो गर्मी होती है वो मैं बताऊंगा, एक बार मुझे यहां से निकल जाने दो। तो लगातार एनकाउंटर के बाद भी अतीक को कोई भी जो कह सकते हैं एक पश्चाताप नहीं था और एनकाउंटर के बाद भी अतीक निडर होकर के ये लगातार बातें कर रहा था कि एक पुलिस वालों से पूछ रहा था, पूछताछ में लगातार वो पूछ रहा था कि मेरे बेटे को एनकाउंटर जिसने किया है उसमें कौन पुलिस वाले हैं। तो इन सबसे साफ जाहिर होता है, जिस तरीके से चैट भी अब ये वायरल हुई है व्हाट्सएप पे, कि जो सूख है वो अतीक का साफ दिख रहा था, चाहे वो वारदात के पहले की बात हो। बाद में तो फिलहाल अतीक और अशरफ ही नहीं रहे, लेकिन जो चैट वायरल हो रही है इसमें भी देख सकते हैं लगातार वो धमकी जरूर दे रहा है, चाहे वो ईडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम साहब हो। और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग थे जिसने उन पर FIR भी लिखवाई। जी बिल्कुल निकिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए इस बीच जानकारी प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।